नमस्कार, लाइव सीरीज की नाइट बुलेटिन दिन में बिहार में आपका स्वागत है। खबरों की शुरुआत करेंगे, उससे पहले डालते एक नजर आज की सुर्खियों पर। कोरोना की रफ्तार बढ़ते देख सीएम नीतीश ने बुलाई हाई लेवल मीटिंग। राहुल गांधी ने फोन किया नीतीश को, फिर तेजस्वी पहुंचे सीएम आवास। नीतीश की इंडिया गठबंधन से नाराजगी वाले सवाल पर मंत्री की सफाई। सांसदों के निलंबन के खिलाफ सड़क पर उतरे इंडी लायंस के नेता। लैंडफॉर्ड जॉब केस में तेजस्वी यादव की वकील ने मांगी अगली डेट। प्रशांत किशोर का बड़ा बयान, मेरी विचारधारा कांग्रेस के करीब, अब वो तय करे। बीपीएससी चेयरमैन अतुल प्रसाद ने दी कड़ी चेतावनी। के पाठक ने शिक्षकों को हड़काया। बेगूसराय में रंगदारी नहीं देने पर डॉक्टर को बम से उड़ाने की दी धमकी। छपरा में परिवहन विभाग ने बालू लदे 195 ओवरलोड ट्रकों को पकड़ा। अब खबरें विस्तार से। कोरोना वायरस के नए वेरिएंट JN1 ने चिंता बढ़ा दी है। पटना में भी COVID-19 के मरीज मिलने लगे हैं। पटना में कोरोना वायरस के 2 नए मरीजों के मिलने की पुष्टि हुई है, जिसके बाद बिहार का स्वास्थ्य विभाग अलर्ट मोड पर आ गया है। इधर नीतीश कुमार ने हाई लेवल मीटिंग बुलाई है। इस बैठक में तेजस्वी यादव के साथ स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी भी मौजूद रहे। इस दौरान सीएम ने पूरी जानकारी ली और सभी को अलर्ट रहने को कहा है। 2024 चुनाव को लेकर बिहार में सरगर्मी तेज होने लगी है। ऐसे में कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी और नीतीश कुमार की फोन पर लंबी बातचीत हुई। इसके बाद अचानक उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव नीतीश कुमार से मिलने सीएम आवास पहुंच गए। आधे घंटे से अधिक दोनों के बीच मुलाकात हुई। इस दौरान तेजस्वी ने बताया कि सीट शेयरिंग को लेकर बात हुई है। वहीं नीतीश कुमार की नाराजगी की खबर को लेकर तेजस्वी ने कहा कि कहीं किसी से कोई नाराजगी नहीं है। जल संसाधन मंत्री संजय झा ने नीतीश कुमार की नाराजगी वाली खबर पर बड़ा बयान दिया है। उन्होंने इसे झूठ बताते हुए मीडिया पर गंभीर आरोप लगाए हैं। इस दौरान उन्होंने बिहार में सीट शेयरिंग को लेकर कहा कि जनवरी तक यह हो जाएगा और किसी भी तरह की कोई समस्या नहीं है। मंत्री संजय झा ने कहा कि वे खुद नीतीश कुमार के साथ थे, नाराजगी वाली कोई बात नहीं है। सीएम बैठक से नाराज होकर नहीं निकले थे, वे तो सबको धन्यवाद देने के बाद निकले थे। संसद के विपक्ष के सांसदों के निलंबन के विरोध में पटना में महागठबंधन के घटक दलों के कार्यकर्ता और नेता सड़क पर उतर कर प्रतिरोध मार्च निकाला। इस दौरान तमाम विपक्षी दलों के कार्यकर्ता आयकर गोलंबर से हिंदी भवन तक पैदल मार्च निकालकर विरोध जताया। इस दौरान विपक्ष ने केंद्र सरकार पर जमकर निशाना साधा और कहा कि सरकार ने जो किया है वह गलत है, मोदी सरकार तानाशाह ही रवैया अपना रही है और यही कारण है कि सवाल पूछने पर सांसदों को निलंबित किया जा रहा है, जो कि कहीं से भी उचित नहीं है। लैंडफॉर्ड जॉब केस में ईडी ने आज पूछताछ के लिए बिहार के डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव को पूछताछ के लिए बुलाया था, लेकिन उनके वकील ने ईडी से अगली डेट की मांग की है। जबकि 27 दिसंबर को ईडी ने समन देकर लालू यादव को भी बुलाया है। दरअसल बीते दिन तेजस्वी ने दिल्ली कोर्ट में ऑस्ट्रेलिया जाने की इजाजत मांगी थी। तेजस्वी अपनी पत्नी के साथ क्रिसमस की छुट्टियों के लिए ऑस्ट्रेलिया जाने का प्लान बना रहे थे, लेकिन ईडी ने इसी बीच पूछताछ के लिए समन जारी कर तेजस्वी को 22 दिसंबर को और लालू यादव को 27 दिसंबर को बुलाया था। प्रशांत किशोर ने बड़ा बयान दिया है। पीके ने कहा कि मेरी विचार कांग्रेस के करीब है, ऐसे में अब कांग्रेस को तय करना है। पीके के इस बयान से बिहार की सियासी गलियारों में हलचल मच गई है। प्रशांत किशोर का जनसुराज अभियान आने वाले समय में राजनीतिक पार्टी की शक्ल भी ले सकता है। हालांकि लोकसभा चुनाव से पहले नई पार्टी बनाने से पीके ने साफ इनकार किया है। उन्होंने कहा कि अगर जनसुराज से जुड़ा कोई व्यक्ति अगर चुनाव लड़ना चाहता है तो उसे उसका समर्थन करेंगे। बीपीएससी अध्यक्ष अतुल प्रसाद ने बीपीएससी की छवि खराब करने वालों को कड़ी चेतावनी दी है। अतुल प्रसाद ने साफ साफ कह दिया है कि जो भी लोग बीपीएससी की छवि खराब करेंगे वैसे अभ्यर्थी 1 से 5 साल तक परीक्षा नहीं दे पाएंगे। वहीं चोरी करते पकड़े जाने पर आजीवन बैन होगी। वहीं उन्होंने बताया कि वन रिजल्ट देना संभव नहीं है। अन्य परीक्षाओं ने जहां 100 और 1000 की संख्या में वैकेंसी आती है, वहां 1 लाख में वैकेंसी आई है। इसी वन जॉब वन रिजल्ट ऐसे में संभव नहीं है। के पाठक पश्चिम चंपारण के बेतिया पहुंचे, जहां उन्होंने कई स्कूलों का औचक निरीक्षण किया और शिक्षकों को खूब हड़काया और कहा कि किसी भी तरह की कोताही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। दरअसल शिक्षा विभाग के प्रमुख सचिव के पाठक ने डाइट में परीक्षण ले रहे 440 प्रधानाध्यापकों को संबोधित किया। उन्होंने संबोधन के क्रम में उन्होंने कहा कि शिक्षक ने स्कूल का समय 5 बजे से घटाकर 4 बजे करने का प्रस्ताव रखा। इस पर के पाठक ने कहा कि राज्य कर्मी का दर्जा के लिए 8 घंटे ड्यूटी देना होगा, अनुशासन में कोताही बर्दाश्त नहीं होगी।
बेगूसराय में बदमाशों ने एक डॉक्टर से 20 करोड़ रुपए की रंगदारी मांगी है। बदमाशों ने डॉक्टर को धमकी दी है कि अगर उन्होंने रुपए नहीं दिए तो उनके अस्पताल को बम से उड़ा दिया जाएगा। डॉक्टर को रजिस्टर्ड डाक से धमकी भरा पत्र आया है। घटना की जानकारी मिलने के बाद फिर डॉक्टर ने एसपी से मुलाकात कर सुरक्षा की गुहार लगाई है। एसपी ने बताया कि मामला संज्ञान में आया है, घटना के संबंध में एफआईआर दर्ज कर ली गई है। जांच के लिए टीम गठित की गई है और बदमाशों की गिरफ्तारी के लिए भी छापेमारी की जा रही है। छपरा में बालू ओवरलोड ट्रक जब्त किए गए हैं। परिवहन विभाग बालू माफिया और ट्रक के मालिकों पर लगातार कार्रवाई कर रही है। छपरा एसपी ने सभी थाना प्रभारी को ऐसे बालू लोड ओवरलोडेड ट्रकों पर कार्रवाई करने का निर्देश दिया है। जिला परिवहन पदाधिकारी छपरा ने बताया कि ओवरलोड वाहन चालकों पर नकेल कसने के लिए कार्रवाई कर रही है। दिसंबर महीने में अभी तक 195 वाहनों पर 1,01,84,000 रुपए का जुर्माना लगाया गया है। इसके बाद भी कार्रवाई लगातार जारी है। ओवरलोडेड वाहनों पर लगातार चेकिंग की जा रही है। इस कार्रवाई से बालू माफियाओं में हड़कंप मच गया है। तो फिलहाल के लिए इतना ही। चैनल को सब्सक्राइब कर ले, फेसबुक पेज को लाइक कर ले। वीडियो देखने के लिए आपका शुक्रिया।